रिपोर्टेडली सुनने को मिल रहा है व्हाट्सएप जल्द ही रोल आउट करने वाला है एक नया फीचर विच इज कॉल्ड मल्टी अकाउंट फीचर। इस फीचर की मदद से आप एक साथ मल्टी व्हाट्सएप अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, वो भी सेम डिवाइस में। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज रिपोर्ट्स, व्हाट्सएप अब एक और नए फीचर को लाने पर काम कर रहा है जो कि है मल्टी अकाउंट फीचर। इस फीचर की मदद से व्हाट्सएप यूजर्स अपने मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट्स को इजीली एक्सेस कर सकता है। यानी अगर आपके पास एक से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट हो तो आप अपनी किसी भी अकाउंट को इजीली स्विच कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इस फीचर की रिलीज डेट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? वेल दोस्तों, इस फीचर के रिलीज डेट को लेकर अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिली है, बल्कि अभी ये फीचर अंडर डेवलपमेंट है और जल्द ही इस फीचर को सबसे पहले बीटा टेस्टर्स के लिए रिलीज किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एज ऑलवेज व्हाट्सएप सबसे पहले कोई भी नए फीचर बीटा टेस्टर के लिए रिलीज करता है ताकि इसके फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सके और फीडबैक गैदर कर सके बिफोर रोलिंग इट आउट टू ऑल द यूजर्स। और जैसे ही ये फीचर रिलीज हो जाएगी, ऑल द यूजर्स विल बी एबल टू एक्सेस मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट्स फ्रॉम द सेम डिवाइस। ये फीचर उन लोगों के लिए अच्छा साबितगर होने वाला है जिनके पास एक से ज्यादा फोन नंबर्स या व्हाट्सएप अकाउंट होंगे। रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक ऐसा ही फीचर का अपडेट दिया था जिसकी मदद से यूजर्स अपने एक ही अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस में यूज कर सकता है। बहुत जल्द मैं इस पर भी एक वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करने वाला हूँ। आइए अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि सेम डिवाइस में मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे हैं। मल्टी अकाउंट फीचर वन व्हाट्सएप के कई फायदे हैं, जिससे आप एक ही ऐप से अपने कई सारे अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। यानी अब पर्सनल अकाउंट्स एंड प्रोफेशनल अकाउंट्स या एक से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स को स्विच करना होगा आसान। सेकेंडली, मल्टी अकाउंट फीचर होने से आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप सिंपली एक टैप करके अपने किसी भी अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम सेविंग। अब आपको बार बार लॉगिन या लॉगआउट करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो ऐप के अंदर आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा और आप सिर्फ एक टैप करके ही किसी भी अकाउंट को स्विच कर सकते हैं, जिससे आपका काफी समय बचेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि व्हाट्सएप को इस फीचर को लाना चाहिए या नहीं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अलविदा दोस्तों।